दोस्तों आज बहुत ही खतरनाक बारिश आने वाला है। देखिए सुनिए, बहुत ही खतरनाक बारिश आने वाला है और आंधी तूफान भी आने वाला है और बहुत ज़्यादा बारिश होने वाला है। इसलिए मैं कार को में बाहर हो जाएगा, ऊपर से अगर पानी गिरेगा, अरे बाप रे, बिजली बिजली गिरेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज दूसरा दिन है और आज भी बारिश नहीं ख़त्म हुआ है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखिए अभी अभी सुबह हुआ है और देखिए कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है अभी भी। और लकड़ी फकड़ी सब रात में सब भीग गया पानी में। और यहाँ पे हम खाना बना रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी खपरा का घर में। और वहाँ पे यहाँ पे मेरी पत्नी है, उदास होकर के बैठी है। और यहाँ पे छोटे छोटे मुर्गी लोगन भी सब भीग गए हैं। और हमारे पास इतना ही सूखा लकड़ी है और सब भीग गया है। यहाँ पे एक आग के पास आया है छोटा वाला मुर्गी, सब मुर्गी भीग गए हैं। और यहाँ पे अलग से बनाए हैं बैंगन और आलू का झोल। हाँ वहाँ पे रखो। अंते तोरा यार, चटले नहीं करते बन सिनु करा तबे। दोस्तों अभी और तेज बारिश आ गया है, ख़त्म हो रहा है फिर बारिश कर रहा है, ख़त्म हो रहा है फिर बारिश कर रहा है। मनीषा पानी में भीग रहा है, तू पानी तू क्यों बाहर निकाल रहा है? लगता है दोस्तों छोटे से बड़े तक सब मुर्गी, छोटा वाला मुर्गी बड़ा वाला मुर्गी मर जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि पानी में भीग भीग करके पूरा वो प्रो बहुत ठंड लग रहा है सब मुर्गी लोगों को। तो सबको पकड़ करके घर में ला रहे हैं और उनको हम अच्छी जगह पे रख रहे हैं, नहीं तो मर जाएंगे सब मुर्गी जितने भी हम पाल के रखे हैं। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी थोड़ा भीगना पड़ेगा तभी आपको मैं दिखा पाऊँगा। देखिए यहाँ पे ऊपर से पानी गिर रहा है, देखिए। और ये जो मुर्गी का जो घर बनाया था उसमें पानी जा रहा है उधर से, और यहाँ पे जितना भी मुर्गी था रात भर रात सारा सब मुर्गी पानी से भीग गए हैं। अभी पानी ज़्यादा हो गया, चल 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 घर के चल।
दोस्तों आप सब सोच रहे होंगे कि खपरा का घर में चूल्हा में क्यों हम खाना बना रहे हैं, गैस में क्यों नहीं बना रहे हैं। गैस खत्म हो गया है और हमको नहीं पता था गैस खत्म हो गया है, और रात में बहुत ज़्यादा बारिश आ गया तो लकड़ी भी सब भीग गया पानी से। तो आज सुबह हुआ तो देख रहे हैं सुबह में भी फिर बारिश हो रहा है, तो जैसा तैसा करके जो कि वो खपरा का घर में थोड़ा सा लकड़ी था उससे ही हम खाना बना रहे हैं आज। नहीं बस 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 जीरा का मजूर आलू रेडी कम आलू मान सीधा दोस्तों अभी तक बारिश खत्म नहीं हुआ है, देखिए अभी तक बारिश गिर रहा है ऊपर से और आज शाम तक बारिश आएगा ऐसा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे मेरे पीछे की साइड पे जोहन वो हॉकी खेलने के लिए मेरे को बोलने के लिए आया है, हॉकी खेलेंगे ऐसा बोल के। इतना बारिश में कौन खेलेगा हॉकी, हम लोग खेलेंगे। ठीक है मैं अभी खाना खाना खा के मैं जाऊँगा, बारिश में भीग के खेलेंगे और उसमें नहाना भी हो जाएगा और बुखार भी आ जाएगा। तो दोस्तों अभी खाना सब कुछ रेडी हो गया है और अभी खाना को खाएंगे। बैंगन और आलू का झोल बनाए हैं अलग से और आलू का सूखा भाजा बनाए हैं अलग से, और अभी बारिश में गर्मा गर्म खाना को खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, खाते हैं खाना को गर्मा गर्म और नीचे बैठ के खा रहे हैं सब कोई। ये तो बहुत अच्छा लगे और मोमोस आ जाओ यहाँ पे तुम्हारे लिए खाना है। ये लो आलू सब कोई खाओ। उधर का खाओ। ये खाओ वो उधर 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 है। दोस्तों खाना खत्म हो गया है, अभी छाता लेके जा रहा हूँ जहाँ पे अभी हॉकी प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई लोगों। इतना बारिश में मैं तो नहीं खेलूँगा, खेलूँगा कि नहीं खेलूँगा पता नहीं, फिर भी मैं जा करके आपको मैं दिखाऊँगा वहाँ पे। इतना बारिश में भी कौन हॉकी खेलेगा, मैं अगर खेलूँगा तो मेरे को तो पूरा बुखार आ जाएगा। अरे जल्दी चप्पल लेके आओ मेरा।
जितना बारिश दे रहा है दोस्तों मत पूछो, बहुत ही बारिश हो रहा है। मोबाइल, मेरा मोबाइल पे एक अपडेट आया है दोस्तों, जो कि एक सप्ताह तक पूरा बारिश आने वाला है, 30-32% तक बारिश है। और देखिए मेरा गांव का नज़ारा, सांप कोई घर पे है, कोई भी घर से नहीं निकला है। अगर घर से बाहर निकले हैं तो खाली भाई लोगों हॉकी खेलने के लिए। चले कौन उतुल दो, यहाँ पे मेरा हेडवा और बासी पखाल। देखिए दोस्तों वहां पे इतना बारिश में भी हॉकी खेल रहे हैं। और यहाँ पे बाढ़ आना चालू हो गया है, गोल गोल गोल। दोस्तों मैं तो नहीं खेलने वाला हूँ हॉकी भी, मेरे को बुखार आ जाएगा। दोस्तों मैं अभी आपको थोड़ा खेत खलिहान में मैं जाके आके आपको मैं दिखाऊंगा कि कितना पानी भर गया है। रात भर बारिश हुआ था, लेकिन मीडियम बारिश हुआ था। अगर तेज बारिश अगर हो जाता रात भर तो पूरा बहुत ही मुश्किल हो जाता। और ऐसे भी अगले सप्ताह में, इस आने वाला सप्ताह पूरा 7 दिन तक बारिश है यहाँ पे, ऐसा तो मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन में आ गया है। लेकिन ऐसा अगर बारिश हो गया तो पूरा हमारा गाँव बह जाएगा। जंगल के एरिया पे है हमारा गाँव, फिर भी पानी भर जाएगा, पूरा घर घर में पानी भर जाएगा। अभी तो एक ही दिन हुआ है और इतना बारिश हुआ है, जो करके जितना भी पानी भर गया है मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अगर एक सप्ताह बारिश हो गया तो आप अंदाज लगाइएगा कितना पानी भर जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो गड्ढा था पूरा पानी से भर गया, देखिए देखिए पानी से पूरा भर गया है गड्ढा। मैं ऐसे नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि क्लियर नहीं दिखेगा आपको, मैं दूसरा वाला कैमरा से दिखाऊंगा, लेकिन उस पर मेरा फेस नहीं आएगा, खाली वॉइस आवर आएगा। देखिए दोस्तों उधर से पानी आता है, जंगल से पानी आता है, इधर एक ही लाइन पे नहीं आता है, उधर भी, उधर से लाइन से भी आता है, इधर लाइन से भी आता है, और देखिए उधर लाइन से भी आता है, चारों तरफ से आता है। और ऐसे करके पानी पूरा भर गया है एक ही दिन में, देखिए
यहाँ पे अभी भी पानी जा रहा है। मैं और आगे मैं आपको जा करके मैं दिखाता हूँ। और खुशी की बात यह है दोस्तों, क्योंकि धूप के मौसम में चारों तरफ जंगल में जो कि जानवर वगैरह जीव जंतु जो कि पानी प्यास में वो तड़प रहे थे, उनको पानी मिल गया है और जंगल पूरा हरा भरा हो जाएगा और 2-3-4 दिन में। और देखिए चारों तरफ खेत में देखिए कितना पानी भर गया है। देखिए और पत्ते भी उग गया है, सब कोई पेड़ का पत्ता झड़ चुका था धूप का मौसम में, और अभी बारिश गिर गया और बारिश का मौसम आ गया तो फिर हरा भरा होना चालू हो गया है। और हरा भरा ही अच्छा लगता है जंगल। तो दोस्तों ठीक है, मैं अभी घर की ओर जाता हूँ और वीडियो को वहाँ पे लास्ट करेंगे।